हेलो एवरीवन, मैं नरेश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं इस स्पेशल सेशन में। सेशन है इजराइल की प्राइम मिनिस्टर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर और हमास के कुछ लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए अरेस्ट वारंट की डिमांड हुई है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि अरेस्ट वारंट क्या है, कैसे इसको इश्यू किया जा सकता है, इसकी क्या पावर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये क्या होता है, इसकी क्या पावर्स होती है, क्या ज्यूरिसडिक्शन होता है, क्या एक्चुअली में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकते हैं, क्या इनके पास में इतनी पावर है, इन सब का एनालिसिस करेंगे हम डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंटेक्स्ट के साथ में। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर के चलूंगा कि इजराइल और हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर को, जब हमास के टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था इजराइल की सिविलियन पॉपुलेशन पर, जब वो अपने किसी एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो 7 अक्टूबर 2023 को ये सब हुआ। उसके बाद में फिर इजराइल ने रिटेलिएट किया, बहुत सारे अपने ऑपरेशंस को लॉन्च किया और ये युद्ध जो है, वॉर है, काफी लंबा जो है खिंच चुका है। उसके बाद इशू आता है कि कुछ कंट्रीज इजराइल के अगेंस्ट में गए, और वो कंट्री कौन था, वो कंट्री था आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका चला गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि यूएन का एक पार्ट है। वहां पर जब इजराइल के अगेंस्ट में साउथ अफ्रीका ने केस किया, वहां से उनको ऐसी कोई रिलीफ नहीं मिली। उसके बाद में क्या हुआ कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और वहां के इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो प्रोसिक्यूटर हैं, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, उन्होंने क्या किया है, एक सूट फाइल किया है, एक रिक्वेस्ट फाइल की है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, और इन्होंने डिमांड की है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और हमास के जो लीडर्स हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाए। ये मेन यहाँ का इसमें सारा का सारा इश्यू है। अब हम देखते हैं, तो ये है मिस्टर, जिनका नाम है मिस्टर करीम खान, और ये ब्रिटेन से पढ़े हुए हैं, बैरिस्टर हैं, मिस्टर करीम खान केसी। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वहां के मेन एडवोकेट है, मेन प्रोसिक्यूटर है। ये केस लेकर के गए हैं इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। दिस इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वहां की प्रोसीडिंग्स कुछ इस तरह से चलती है। इनका जो मेन पॉइंट क्या है कि भाई इस वॉर में बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं, उनकी किलिंग हो रही है और इनह्यूमन वर्क हो रहा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में एक्शंस हो रहे हैं, जो वायलेंस हो रहा है। तो इनका कहना है कि अरेस्ट किया जाए उन सारे के सारे लोगों को, जो चाहे इजराइल की तरफ से हों या हमस की तरफ से हों, जिन्होंने इस वॉर को आगे बढ़ाया या इनोसेंट पीपल की लाइव्स के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन ये लोग हैं, हमास के लीडर हैं याहया सिनवर, एक और लीडर हैं हमास के मोहम्मद दायब इब्राहिम अल मसारी, उनको डैफ भी बोला जाता है। एक लीडर और हैं जिनका नाम है इस्माइल हनीयेह, ये इनका नाम है। और इनको अरेस्ट किया जाए किस क्राइम के लिए, वॉर क्राइम्स के लिए, इन्होंने वॉर करने का क्राइम किया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन इजराइल, बिकॉज इन्होंने 7 अक्टूबर को अटैक्स को लॉन्च किया था। तो इन सबको अरेस्ट किया जा रहा है, मतलब अरेस्ट किया जाए, जो कि गाजा और हमास का जो रीजन है, जो इजराइल जिसमें अटैक कर रहा है। तो भाई सबसे पहले तो वॉर किसने शुरू किया, इन लोगों ने शुरू किया था जो हमास के टेररिस्ट थे। मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाता हूँ कि ये कौन लोग हैं। अभी तक आपने ज्यादातर हमास का नाम सुना होगा, आपको लग रहा होगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ ज्यादा इनका कुछ नहीं होगा। तो उनका एक मेन लीडर है जिसका नाम है याहया सिनवर, पूरे हमास को लीड करता है ये, ठीक है। बहुत ज्यादा पिक्चर्स इनकी अवेलेबल नहीं है, कुछ इमेजेस जो पहले की हैं वही अवेलेबल हैं। तो हमास का पूरा करता धरता ये है, इनके इशारे पर चलता है पूरा का पूरा हमास। और दूसरा और कौन है इसमें, एक ये व्यक्ति है जिसका नाम है आपका मसरी, ठीक है, मोहम्मद दायब इब्राहिम अल मसरी या
दैव इनका नाम है। इसके भी बहुत ज्यादा कोई इमेजेस पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं, CIA है या ऐसे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास में कुछ इमेजेस इनकी हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये देखिए, देखने में क्या एकदम चार्मिंग पर्सनैलिटी लग रहा है कि बड़ा बिंदास। इनका नाम है इस्माइल हनीयेह, ये भी हमास के ही लीडर हैं। तो इन तीनों के अगेंस्ट में डिमांड हुई है कि इन सबको अरेस्ट किया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम अदर सेक्शन में। तो बोला भाई, वार के लिए हमास के लीडर तो रिस्पॉन्सिबल थे ही, इजराइल के लीडर भी रिस्पॉन्सिबल है। और वो कौन कौन है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये कौन कौन है। ये हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, बिकॉज वॉर को बंद ही नहीं कर रहे, ये ऐसा कहना है ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर का। बोला इनके अगेंस्ट में भी केस हो, इनके अगेंस्ट में भी अरेस्ट वारंट जो है इश्यू किया जाए और इनको अरेस्ट किया जाए, बिकॉज इनकी वजह से इजराइल और गजा वाले रीजन में बहुत सारी जो है अटैक्स हो रहे हैं और उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ये हैं। दूसरा हमारे पास में है ये, जिनका नाम है मिस्टर, मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये इनका नाम है मिस्टर योआब गैलेंट। ये कौन है? ये है डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल। देख रहे हो कितने गुस्से में भरे हुए हैं, है ना, बिकॉज हमास के जो लीडर्स थे, हमास के जो टेररिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अराउंड 1000 पीपल जो इनोसेंट थे उनको किल किया, उनका मर्डर किया, उसमें महिलाओं के साथ में जो इजराइल की वेमेन थी उनके साथ में रेप किया। रेप कोई सिंगल नहीं, मास रेप किए उन्होंने, जो हमास के टेररिस्ट थे, मास रेप किए, चौराहों पर ओपनली रेप किए और उनको गोली मार दी गई। और वो जो वेमेन थी उनकी नेक्ड परेड कराई गई, नंगा घुमाया गया। सॉरी मैं इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, लेकिन ये काम हुए हमास की तरफ से। लेकिन इजराइल अब उसके बदले में चुप बैठने वाला तो है नहीं। इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसी समय बोल दिया था कि अब यह युद्ध तब तक स्टार्ट रहेगा, तब तक कंटिन्यूस रहेगा जब तक हम हमास को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। अब इनके अगेंस्ट में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो खड़े हो रहे हैं, जो ये सलाह दे रहे हैं कि इजराइल को ये वॉर स्टॉप कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहे हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन कि इनका क्या मैटर है। और ये है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिस कोर्ट में डिमांड की गई है किस बात की, कि अरेस्ट कर लिया जाए इन सारे लीडर्स को। क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज फर्स्ट एंड ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। मींस एवरी कंट्री हैज इट्स ओन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के लेवल का कोर्ट है। मींस अगर उसकी कंट्री के अंदर ऐसे किसी लीडर के अगेंस्ट में एक्शन नहीं हो सकता, तो वर्ल्ड लेवल पर फिर भी एक कोर्ट है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इट इज अ कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट, मींस अगर कंट्री के खुद का सिस्टम, सपोज करो अगर पाकिस्तान इंडिया पर अटैक करता है, तो क्या पाकिस्तान का जो कोर्ट है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वहां के डिफेंस मिनिस्टर उनको पनिशमेंट दे पाएगा? नहीं। तो जब लोकल जो कंट्री है, जो डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं, अगर वो एक्शन नहीं ले पाते, तो फिर नंबर आता है किसका? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेन फंक्शन। अब ये काम क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे क्राइम्स में ये डील कर सकता है, तो यहां पर आप देखेंगे एम्ड एट डिटरिंग एंड एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर मोस्ट सीरियस क्राइम्स ऑफ कंसर्न, जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अगेंस्ट में कोई क्राइम हो सकता है, जैसे जेनोसाइड होगा, किसी भी एक कम्युनिटी को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हैं, जैसे कि हिटलर ने किया था यहूदियों के अगेंस्ट में, और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में क्राइम हो, और किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, किसी रिलीजन, किसी कास्ट, किसी रीजन, उसकी पूरी पॉपुलेशन को ही खत्म करने की बात करना, जैसे कि 1990s में जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी हुई, तो वहां पे जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी हिंदू थे, उनके साथ में भी जेनोसाइड जैसा ही हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं हमास और गजा वाले रीजन में वॉर क्राइम्स, कोई मिनिस्टर,
कोई प्राइम मिनिस्टर अगर वो किसी कंट्री के अगेंस्ट में वॉर करता है तो ऐसे केसेस में भी ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है एक्शन ले सकता है। क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, किसी अदर कंट्री पर, किसी अदर रीजन पर अगर अग्रेशन किया तो ऐसे केसेस में भी ये एक्शन ले सकता है। अब आते हैं हम कुछ और पॉइंट्स के लिए। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा नहीं कि आपके कंट्री में कोई एक्शन हुआ, किसी ने क्राइम किया और हम सीधे जाकर के आईसीसी चले गए, वो सब इसमें नहीं होता। मींस कंट्रीज का जो कोर्ट सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री का ये वर्क करता है, उनके कंपटीशन में नहीं है, उनके अगेंस्ट में ये कोर्ट काम नहीं कर सकता। आईसीसी में ओनली एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन व्हेन अ कंट्री इज इधर अनविलिंग और जेन्युइनली अनेबल। वो कंट्री अब उसमें या तो करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया में टेररिज्म को सपोर्ट किया है, अगर क्या किया ही है, या अभी इजराइल जो है एट वॉर है अगेंस्ट जो है गजा में जो हमास है उनके अगेंस्ट में, तो क्या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को पीएम को वहां का कोर्ट कुछ पनिशमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ऐसे केस में आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब इसमें काम कौन करता है? तो यहाँ का जो प्रोसिक्यूटर होता है वो इसमें एक्शन लेने पर काम करता है, ठीक है। अब उसमें हम थोड़ा सा और अगर आगे जाएंगे तो इसकी हिस्ट्री को देखेंगे कि कैसे एस्टेब्लिश हुआ। तो रोम स्टैट्यूट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में, बाद में 2002 में ये एक्शन में आया और 2003 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। अभी अगर बात करें तो 124 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं और स्पेशली इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इन्हीं 124 कंट्री पर लागू होता है। बाकी के जो कंट्रीज हैं उन्होंने इस स्टैट्यूट को, रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया। वो कंट्रीज हैं वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर कंट्री हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, रसिया, चाइना और इंडिया। ये वो कंट्रीज हैं, इन्होंने कभी भी साइन ही नहीं किया रोम स्टैट्यूट को। इट मींस ये नहीं मानते कि हमारे देश के ऊपर इस आईसीसी की ज्यूरिसडिक्शन लागू होगी। मींस इन कंट्रीज पर जनरली इसकी ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होती। दूसरा, इसकी अगर मैं कुछ और भी बात करूं तो अभी तक इसने टोटल 28 केसेस को ही अपने यहां सुना है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, जो हम अभी भी देख चुके हैं। दो इसकी मेन लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच इसमें काम करता है। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज ये हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, चाइनीज, स्पेनिश, रशियन, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। बाकी वर्किंग लैंग्वेज इसकी ये दो है, इंग्लिश और फ्रेंच। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आईसीसी, द अप्रूवल ऑफ आईसीसी बजट, द इलेक्शन, ये सब अगर हम बात करें तो इसको कौन काम करता है? असेंबली ऑफ द स्टेट पार्टीज। मींस जो 124 कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं और वही इन सारे के सारे चीजों पर काम करते हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें कौन कौन होता है? एक प्रेसिडेंट होता है, जुडिशियल डिवीजन होती है इसमें, और ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर होता है, और फिर होती है इसमें रजिस्ट्री। ये लगभग वही सिस्टम है जैसे कि इंडिया के कोर्ट्स में होता है या किसी अदर कंट्री के कोर्ट के जुडिशियल सिस्टम में होता है, ऐसे ही इसमें भी ऑफिस हैं। बाकी फिर इसके बहुत सारे फील्ड ऑफिसेस होते हैं, वहां से इसमें काम होता है। और अगर हम बात करें इस रोम स्टैट्यूट की, ठीक है, तो इसके क्राइम को हमने देखा था कि क्राइम ऑफ जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम्स और क्राइम ऑफ एग्रेशन, ऐसे ही केसेस में इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो वर्क करती है। मींस जनरल केसेस में आप ऐसा नहीं कि आपके साथ आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप जाकर के आईसीसी में चले जाए, नहीं, केवल इन्हीं क्राइम्स के लिए आईसीसी में जा सकते हैं और वो भी उसके भी एक प्रॉपर मेथड्स हैं, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम है। इसकी ज्यूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो केवल तीन तरह की इसकी मेन ज्यूरिसडिक्शन है। पहला ज्यूरिसडिक्शन है कि जो 124 इसके मेंबर्स हैं, अगर वो इनमें से कोई एक कंट्री या और भी कई सारे कंट्रीज उस केस को लेकर के आते हैं तो। दूसरी जो इसकी सेकंड ज्यूरिसडिक्शन है, वो सेकंड ज्यूरिसडिक्शन का इसका काम है ये, मैं आपको दिखाता हूं कौन, कि जो प्रोसिक्यूटर है, मींस या तो कंट्री खुद से केस करे या जो प्रोसिक्यूटर है, जो यहां पर अभी हमने देखा करीम खान,
अगर ये खुद से एक्शन लेते हैं तो भी ले सकते हैं। और इसकी थर्ड टाइप की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ज्यूरिसडिक्शन ये है कि जो कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, 124 कंट्रीज से बाहर है, वो कंट्री वॉलेंटरिली अपने कंसेंट के बेसिस पर अपना केस लेकर के आ सकते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, तो उसके थ्रू भी इस पर एक्शन चल जाता है। अच्छा, अब बात यह आती है कि यदि जो इसराइल है भाई, इसने तो साइन किया ही नहीं है उस रोम स्टैट्यूट को, तो इस इसराइल के अगेंस्ट में जो अरेस्ट वारंट की बात हो रही है, क्या ये उन पर लागू होगा? जनरल केस में जो कंट्रीज रोम स्टैट्यूट के पार्ट नहीं है, उसकी पार्टी नहीं है, उन पर इसका ज्यूरिसडिक्शन लागू नहीं होता। लेकिन इसी का एक नियम ये कहता है कि यदि कोई कंट्री, यदि कोई पार्टी, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल ये है कि सपोज करो ये एक प्लेस है और ये इजराइल है और ये प्लेस है पैलेस्टीन का, ठीक है, ये पैलेस्टीन का प्लेस है, तो पैलेस्टीन ने इस रोम स्टैट्यूट को में साइन कर दिया है, तो वो तो ऑलरेडी इसका पार्टी बन गया। अब इसराइल आकर के क्राइम कहां कर रहा है? पैलेस्टीन की धरती पर, पैलेस्टीन की सॉवरनिटी में, उसके एरिया में, उसके रीजन में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो रोम स्टैट्यूट है वो ये कहता है कि यदि कोई कंट्री जो रोम स्टैट्यूट का पार्ट नहीं है लेकिन ऐसी टेरिटरी में क्राइम करता है जो उस रोम स्टैट्यूट का पार्ट है, तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन वहां पर लागू होगी। तो पहला पॉइंट, तो क्या इसराइल पर इसकी ज्यूरिसडिक्शन लग जाएगी? टेक्निकली तो लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन की जमीन पर जो क्राइम हो रहा है इसराइल की तरफ से, ऐसा उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। दूसरा, इसका एक जो रूल है वो ये कहता है कि यदि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई अपना रेजोल्यूशन पास करके बोल दे कि हाँ आप जाओ और उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो, तो फिर किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यूएनएससी ने कोई रेजोल्यूशन अगर पास कर दिया तो यूएनएससी का रेजोल्यूशन इस आईसीसी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखने को हमें नहीं मिलता, बिकॉज जो यूएनएससी है उसमें तो वर्ल्ड के वही कंट्रीज बैठे हुए हैं जो इस वर्ल्ड की सारी पॉलिटिक्स को डील करते हैं, उस पॉलिटिक्स को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। जैसे अगर मैं आपके साथ में एग्जांपल लूं, यूएसए, ठीक है, यूएसए का मींस दोस्त है इजराइल, तो क्या इजराइल के अगेंस्ट में वो वीटो नहीं करेगा? हाँ कर देगा बिल्कुल। ऐसे ही रसिया के जो पुतिन सर हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में भी अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ था, तो क्या उसको अरेस्ट कर पाए? नहीं कर पाए। यूएनएससी ने तो कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि रसिया खुद उसमें परमानेंट मेंबर है, तो वो तो वीटो कर देगा, तो वो तो पास होगा नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें बेसिक, तो इसराइल के अगेंस्ट में इसकी ज्यूरिसडिक्शन इंप्लीमेंट हो सकती है टेक्निकली, ठीक है, अगर यूएनएससी कोई रेजोल्यूशन पास ना करे तब भी लागू हो सकती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में इसकी मेन ज्यूरिसडिक्शन वाली बात हो गई। अब हम चलते हैं इसके कुछ अदर पॉइंट्स पर कि क्या एक्चुअली में इसराइल के पीएम को ये अरेस्ट कर पाएंगे और क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैं अब आपको लेकर के चलता हूं उसकी मेन रियलिटी में, ठीक है, कि भाई इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं आईसीसी की। क्या लिमिटेशंस हैं? मैं आपको बता देता हूं कि पहली फर्स्ट लिमिटेशन तो यह है कि आईसीसी के पास में अपनी कोई पुलिस नहीं है, अपनी कोई फोर्स नहीं है, तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, है ना? Who will bail the cat? कौन ये सब करेगा? Because अपनी तो इनके पास में कोई पुलिस है नहीं। अगर अपनी पुलिस होती तो पुतिन को अरेस्ट कर पाते ये, कि यूक्रेन के इश्यू पर उनको भी अरेस्ट वारंट इन्होंने इश्यू किया था, तो कोई अरेस्ट तो किसी को ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, उसका इम्पैक्ट ये जरूर हो जाएगा कि ये जो 124 कंट्रीज हैं, इसराइल के पीएम उनमें जाने से बचेंगे, उनमें नहीं जा पाएंगे उन कंट्रीज में। जैसे मैं बात करूं रशिया के जो पुतिन हैं, वो अभी इन 124 कंट्रीज में जाने से बचते हैं, वो नहीं जाते, सीधा पार करके कहीं और पहुंच जाते हैं। तो अब इसराइल पर भी एक ऐसा प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाएगा कि उनके जो जो लीडर हैं, स्पेशली
बेंजामिन नेतन्याहू और याओब गैलेंट जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये उन कंट्रीज में तो नहीं जाएंगे, उनमें जाने से बचेंगे। तो ये हो गई इसकी क्या लिमिटेशन। के ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें तो इनको किसी भी लीडर को अरेस्ट करना उतना आसान तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप एक डायमेंशन ये भी देख सकते हो कि भाई इंडिया का अब तक में क्या सिस्टम रहा है। तो इंडिया में नेशनल इंटरेस्ट हमारे हैं, स्टेट सॉवरनिटी है हमारी, अपनी प्रॉब्लम है, फाइन। मिस इंडिया ने इसको क्यों साइन नहीं किया? तो इंडिया के अपने ये रीजन थे कि भाई हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं, हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अपने हमारे ऐसे ही बाकी कंट्रीज के भी हैं। तो अब देखो इंडिया का डायमेंशन हमने इसमें देख लिया, इसके थोड़े बैकग्राउंड में अगर जाएं तो इसकी क्या हिस्ट्री रही है पैलेस्टीन के साथ में। तो इजराइल के अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन थी 2015 से ही चल रही थी और वो कंटिन्यूस थी, बाकी 2021 में उसको अगेन स्टार्ट किया गया था और वो इन्वेस्टिगेशन पहले से ही कंटिन्यूस थी। जो इनसे करीम खान से पहले जो प्रोसिक्यूटर थे वो उस इन्वेस्टिगेशन को चला रहे थे, वो हट गए, नए आ गए केसी खान, इन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया। इसमें उन्होंने क्या एंगल लिया, जो नए वाले जो वॉर हुआ है हमस और इजराइल का, वहां से इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है इजराइल के अगेंस्ट में पहले से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है और बहुत ज्यादा नई भी नहीं है, बिकॉज 2015 में भी स्टार्ट हुई थी, 2021 में और फिर 2023 में भी स्टार्ट हो गई। तो एक मिक्स जो है हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख पाते हैं कि वहां से स्टार्ट हुआ। अब देखो कि ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक से इन्होंने लॉन्च कर दिया हो इस अरेस्ट वारंट को, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो देखो कौन कौन से कंट्री थे, बोलीविया, कैमरोस, जिबूती, ऐसे बहुत सारे कंट्री थे, उन्होंने ये कहा कि भाई इजराइल के अगेंस्ट में एक्शन लो, हमास के अगेंस्ट में एक्शन लो, तब जाकर के इन प्रोसिक्यूटर साहब ने ये एक्शन लेने की कोशिश की है, अचानक से ये सब नहीं हुआ है। अब ये जो इजराइल के पीएम हैं या जो हमास के लीडर्स हैं, इनके अगेंस्ट में क्या क्या केसेस हैं, एलिगेशन इनके अगेंस्ट में क्या है, जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए थे, एक तो हॉस्टेजेस का है कि भाई इन्होंने बहुत सारे हॉस्टेजेस को बंदी बना लिया है, ठीक है। एक्सटर्मिनेशन कि आप पूरी पॉपुलेशन को ही खत्म कर रहे हो, मर्डर के क्राइम है, रेप का क्राइम है, टॉर्चर करने का क्राइम है, वॉर क्राइम है किसी के अगेंस्ट में, जो हॉस्टेज बंदी बना रखे हैं हमास के लोगों ने, उनके साथ में सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, उनके साथ में टॉर्चर हो रहा है, क्रुएलिटी हो रही है ना। तो ये सारे के सारे उन पर क्या लगे हुए हैं, एलिगेशंस लगे हुए हैं, और इन्हीं एलिगेशंस के बेसिस पर क्या चाहते हैं वो कि इनको अरेस्ट किया जाए, ठीक है। अब दूसरी तरफ इजराइल का अपना क्या कॉन्सेप्ट था, भाई ये तो हमास के अगेंस्ट में भी लागू होते हैं जो भी क्राइम आपको बताए, वो इजराइल के जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में भी। इजराइल का ये कहना था जब उन्होंने वार अपना स्टार्ट किया था कि देखो भाई हमारे अगेंस्ट में इन्होंने एक्शन लिया है और हम तब तक युद्ध लड़ेंगे जब तक हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते और सिक्योर द रिटर्न ऑफ द हॉस्टेजेस विच हमास हैज अबडक्टेड, और हमास ने जो हमारे लोगों को बंदी बनाया, उनको अबडक्ट किया, उनको हॉस्टेज बनाया, हम उनको भी वापस लेकर के रहेंगे तब तक हमारा वॉर चलेगा। कलेक्टिवली पनिशिंग द सिविलियन, अब इनके अगेंस्ट में एक बात आती है कि भाई ठीक है आपके लोगों को हॉस्टेज बनाया वहां के टेररिस्ट ने, लेकिन वहां की सिविलियन जो पॉपुलेशन है उसको तो पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी जो है आरोप है इजराइल के अगेंस्ट में, इसी के बेसिस पर वो चाहते हैं अरेस्ट वारंट, ठीक है। चार्जेस ये आपको मैं बता ही चुका हूं, ठीक है। तो प्रोसिक्यूटर का डिसीजन ही इसमें क्या होगा, डिसीजन को एक्सेप्ट अगर कर लिया कोर्ट ने तो अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाएगा। क्या हो सकता है, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें अब क्या हो सकता है? तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कुछ उम्मीद, होप हमको इसमें नहीं दिखेगी। उसके पीछे का रीजन मैंने अभी आपको बताया कि इनके पास में अपनी कोई फौज नहीं, अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है कि जो उनको जाकर के अरेस्ट कर सके। अब इसमें होगा क्या, उसमें ये होगा कि इसमें चलेंगी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, और आप इंडिया के कोर्ट में देख लीजिए क्या है कि तारीख पे तारीख चलती रहती है लेकिन डिसीजन तो आता नहीं है। तो इस अरेस्ट वारंट के बदले में अगर कुछ होने की उम्मीद हम करें तो वो थोड़ी सी बेईमानी होगी,
कुछ भी उतना बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसराइल भी अपने आप में एक पावरफुल कंट्री है और इसराइल के सपोर्ट में बहुत सारे कंट्रीज भी बैठे हुए हैं जिसमें आप यूएसए को पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पावरफुल कंट्री जब इसके साथ में होंगे तो एक्शन तो होने के चांसेस नहीं है। मैं अगर बात करूं इसको एक समरी में, समरी की अगर इसमें हम बात करें तो अरेस्ट वारंट भले ही वो इशू कर दें लेकिन अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। अरेस्ट वारंट के लिए सबसे पहले तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो पब्लिक उनका जो प्रोसिक्यूटर है उसके आर्ग्यूमेंट्स को, और उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए उनको कुछ प्रमाण सही ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करें कि आईसीसी देखने में हमको बहुत पावरफुल लगता है कि भाई पीएम के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है ये। ठीक है, हाँ ठीक है, पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह कुछ बन सकते हैं, वो 124 कंट्रीज में विजिट नहीं कर पाएंगे लेकिन अरेस्ट होने के चांसेस हमको इसमें नहीं लग रहे हैं। बाकी आप बताइए कि क्या इजराइल के पीएम, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए या ये लोग अपनी कंट्री के डिफेंस के लिए ठीक कर रहे हैं? आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि क्या डिसीजन ठीक हो सकता है। सो वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन एंड वी विल मीट अगेन इन अनदर सेशन। सो बाय बाय, टेक केयर।